कानपुर में एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग कब तक होगी तैयार? किस अफसर ने की एयरपोर्ट के काम की समीक्षा? नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद कानपुर से कितने शहरों के लिए होगी उड़ान? टर्मिनल बिल्डिंग को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क कब तक बनेगी? जून 2021 की डेडलाइन में क्यों नहीं बन पाई हाईवे तक सड़क? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अभी, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं आपके काम की खबरें। उत्तर प्रदेश में कानपुर एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए अभी कुछ और महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। ये बिल्डिंग कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मवैया गांव में बन रही है। कानपुर मंडल यानी कानपुर डिवीजन के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने हाल ही में कानपुर एयरपोर्ट की इस नई बिल्डिंग के काम की समीक्षा की है। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर पर कानपुर मंडल के 6 जिलों के विकास की जिम्मेदारी है। औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर में जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग का जिम्मा डॉक्टर राजशेखर पर ही है। इसी कड़ी में मंडल आयुक्त ने कानपुर एयरपोर्ट को लेकर कई डिपार्टमेंट्स और एयरपोर्ट के काम से जुड़े अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। मवैया गांव में बन रही चकेरी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के काम में तेजी लाने के लिए मंडल आयुक्त ने एयरपोर्ट केडीए यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, बिजली विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इस रिव्यू मीटिंग में मंडल कमिश्नर ने अफसरों से एयरपोर्ट टर्मिनल के कामकाज को लेकर सवाल पूछे। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बिल्डिंग का ज्यादातर काम हो चुका है, 30 सितंबर तक हर हाल में काम को पूरा कर लिया जाएगा। अफसरों ने यह भी बताया कि कुछ काम इसलिए रुके हैं क्योंकि उन्हें रक्षा मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली है। इससे पहले टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा होने का टारगेट जून 2021 रखा गया था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। काम की रफ्तार धीमी होने की वजह कोरोना संक्रमण है। फिलहाल मवैया में कामों की जो स्थिति है उसके मुताबिक नई टर्मिनल बिल्डिंग में विमान खड़ा करने के लिए एप्रन बनाया जा रहा है। एप्रन का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। फिलहाल जो एप्रन बनाया जा रहा है वो 3 विमानों के लिए है, जिसे 6 की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में 3 फ्लाइट ही एक समय पर आ सकेंगी। अभी यहां से 2 शहरों के लिए विमान उड़ान भरते हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद कानपुर से करीब 10 शहरों के लिए उड़ान शुरू हो सकेंगी। इसके अलावा यहां रात में भी विमान आने जाने की सुविधा होगी। कानपुर एयरपोर्ट से जुड़ा 300 यात्रियों की क्षमता वाला वेटिंग रूम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में टैक्सी चलाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में लंबित है, जबकि इंडिपेंडेंट फीडर के जरिए हाई टेंशन लाइन से एयरपोर्ट तक बिजली आपूर्ति के लिए ओवरहेड लाइनों को अंडरग्राउंड करने का काम चल रहा है। एयरपोर्ट एरिया के अंदर 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए परमिशन का इंतजार है। कानपुर एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग 105 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। ये निर्माण 6,000 स्क्वायर यार्ड में किया जा रहा है। सबसे पहले इस नई बिल्डिंग का काम पूरा करने का वक्त फरवरी 2021 तक था, लेकिन फिर कोरोना के चलते इसे मई 2021 किया गया और अब जून 2021 में भी इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। फिलहाल स्टील का ढांचा ही खड़ा किया जा सका है। उधर टर्मिनल बिल्डिंग से हाईवे तक 2.7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी किया जाना है। इसके लिए सरकार ने 55 करोड़ रुपए मंजूर तो किए, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं, जिसकी वजह से इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। नई टर्मिनल बिल्डिंग में बिजली के लिए इलेक्ट्रिक लाइन भी बिछाई जानी है। इसके लिए 2.17 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मीटर रूम बनाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हो सका है। यहां पर 33 केवीए हाई टेंशन लाइन का काम भी 6,33,00,000 रुपए की लागत से होना है। टर्मिनल बिल्डिंग में आने वाले यात्रियों के लिए 150 वाहनों की कार पार्किंग बनाई जानी है। इस काम को 31 मार्च तक पूरा होना था, लेकिन यह भी अभी चल रहा है। तो कुल मिलाकर मीटिंग में अफसरों के जवाब से यह बात साफ हो गई है कि एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का काम
30 सितंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा, जबकि टर्मिनल बिल्डिंग को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क बनाने का काम इसके बाद नवंबर में शुरू होने की संभावना है। नई बिल्डिंग को प्रयागराज हाईवे से जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क बनाई जानी है, लेकिन इसके लिए अभी तक जमीन हैंडओवर नहीं की जा सकी है। 30 नवंबर तक जमीन हैंडओवर कर दी जाएगी, इसके बाद ही सड़क का काम शुरू किया जा सकेगा।